हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है पापड़ की सब्जी, एकदम राजस्थानी स्टाइल में। राजस्थान का एक बहुत ही पॉपुलर डिश है। कभी कभी हम सब्जी खाते हुए बोर हो जाते हैं, तो हम ये पापड़ सब्जी बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। पापड़ सब्जी बनाने के लिए पहले चाहिए पापड़। मैंने 4 मसाला बड़ा साइज का पापड़ लिया है और पापड़ को पहले सेक लेना है। पापड़ डायरेक्ट गैस में ना सेके, इससे जल सकता है, इसीलिए तवा में सेके। एक कपड़ा से पापड़ के चारों तरफ अच्छे से प्रेस करें, इससे पापड़ अच्छे से सेक जाएगा। आप चाहे तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से पापड़ों को तोड़ लेना है। सारे पापड़ मैंने तोड़ के रेडी कर लिया है ग्रेवी में डालने के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए होगा दही। 250 ग्राम दही लिया है और उसमें नमक और पानी मिला के अच्छे से फेंट लेना है। ठंडा दही मत लीजिएगा, नॉर्मल दही से ग्रेवी बनाइएगा। अब हम एक मसाला रेडी करेंगे, इसीलिए यहाँ पे पहले 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। आप डाल दे रहे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ ही डाल रहे 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब डाल रहे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर और डाल दे रहे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर। अब डाल रहे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और सारे मसालों को अभी थोड़ा सा पानी डाल के एक साथ में मिला के एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये एकदम रेडी हो चुका है। ग्रेवी बनाने के लिए पहले कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे 2 सूखा लाल मिर्च और डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और राई और अच्छे से भूनने देंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद आप डाल रहे हैं तेजपत्ता, आप चाहे तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं। और इसके बाद डाल रहे हैं अदरक लहसुन पेस्ट 1/2 टीस्पून। अदरक लहसुन पेस्ट भून जाने के बाद आप डालेंगे मसाला पेस्ट जो हमने पहले रेडी करके रखा था। अब गैस फ्लेम एकदम धीमी कर दे और मसाला भूनने दे और बचा हुआ मसाला में थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी में डालेंगे और मसालों को अच्छे से पकने देंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दें। और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये फेटा हुआ दही। दही डालने से पहले फिर से अच्छे से फेंट लें और एक साथ में दही ना डालें। और दही डालने के बाद अच्छे से ग्रेवी के साथ मिलाएं और बचा हुआ दही भी डाल दें। और अच्छे से मिलाएं। दही ग्रेवी में डालने के बाद फट सकता है, इसीलिए अच्छे से चलाएं और एक उबाल आने दें। देखिए उबाल आ चुका है। अब हम 1 ग्लास पानी डालेंगे और ग्रेवी को बढ़ाएंगे ताकि पापड़ डालने के बाद ग्रेवी एकदम सूख ना जाए। तो एक उबाल आ चुका है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल दे रहे हैं। कसूरी मेथी ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर ऐड होता है पापड़ की सब्ज़ी में। तो अब हम डालेंगे ये सारे पापड़। सारे पापड़ों को डालने के बाद अच्छे से ग्रेवी के साथ मिलाएंगे
सारे पापड़ डाल दिया है, अब अच्छे से ग्रेवी में मिलाएंगे। और ग्रेवी में मिलाने के बाद एक ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ग्रेवी में पापड़ का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो देखिए पापड़ एकदम फूल गया है और ग्रेवी भी कितना कम हो गया है। अब ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के सर्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये राजस्थानी स्टाइल पापड़ सब्जी, कमेंट करके बताना। फिर मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक मेरे चैनल को देखते रहें।